जय माता दी। दोस्तों आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। तो हम सब लोग दिवाली का अपना विसर्जन भी इंतजार कर रहे थे, तो सफाई में लगे हुए थे और आप सब भी लगे होंगे। तो आज वो दिवाली आ गई है, तो आप सभी को फिर से दिवाली की शुभकामनाएं हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और हम वॉक से आ गए हैं। चाय भी हो गई है और ये है हमारी चाइना की वॉल। इस वॉल के बिना यहाँ सीमा में कभी भी घुसपैठ हो सकती है, इसका होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बीच में ना सोई हूँ तो ये बहुत जरूरी है। तो आज का ब्लॉग मेरा इसे दिवाली सेलिब्रेशन पे है। हाय दोस्तों, तो आज मैं बना रही हूँ पकौड़े। और पता है मेरे पास एक छोटा सा किचन गार्डन जिसकी मैं लाई हूँ आज पहली फसल, ये है चना साग। इसके मैं बनाऊंगी पकौड़े। बन गया है मेरा ब्रेकफास्ट, सारा काम हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पकौड़े। तो ये है कुट्टू के आटे के आलू के पकौड़े। ये मेरे खुद के घर के है, जो किचन गार्डन का अजवाइन होता है ना, अजवाइन के पत्ते का पकौड़ा है। ये ग्रीन चटनी सॉस और ये है मेरे खेत के चने के पकौड़े। हेलो दोस्तों, तो अब हो गई है दोपहर, तो मैं तो शुरू हो गई हूँ मंदिर पे सजावट का काम करने के लिए। तो अब मेरी सबसे पहले बना रही हूँ मैं मंदिर पे रंगोली, जो मेरी लगभग बन ही चुकी है। तो ब्लॉग बनाने के लिए अभी ये घर पे थे नहीं, तो अभी अभी आए हैं। तो अभी मेरी रंगोली बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अभी मुझे बाहर भी रंगोली बनानी है, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रंगोली कैसी लगी और मुझे टिप्स भी दीजिएगा, क्योंकि मुझे कोई खास रंगोली बनानी आती नहीं है। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, फिर अभी एक रंगोली बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। पहले मैंने रंगोली बनाई, वैसे मुझे इतनी अच्छी रंगोली अच्छी की आती नहीं है, और कोशिश कर रही हूँ। और अब थोड़ा सा यहाँ पे बना रही हूँ, पूजा की हो गई है तैयारी, मेरा भोग भी रेडी हो गया, खीर पूरी और पुए, और क्या कहते हैं, अब हम सिर्फ होना है हमको तैयार, और तैयार होके हम करेंगे दिवाली सेलिब्रेट। जल्दी से हो जाते हैं रेडी, फिर मिलते हैं आपसे। हाय दोस्तों, तो अब हम हो गए हैं रेडी, मेरे बच्चे। और हमारे प्रभु जी, पति परमेश्वर जी। तो अब हम रेडी हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। चलिए मंदिर में चलते हैं, चलो बच्चों। लक्ष्मण को निसदिन सेवत,
रजित की मम्मा ने स्टार्ट कर दिया है अभी और रिद्धि वहाँ डांस कर रही है। हैप्पी दिवाली। हाय दोस्तों, तो मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे पता है आप सब लोग भी बहुत थक गए होंगे और टाइम भी अभी पता है 11 बज गए हैं और सबसे मिलना, दिवाली विश करना, सब में इतना ज़्यादा टाइम हो गया। तो अब बस अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो अब ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको क्या पसंद आया। तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली, गुड नाइट, बाय।